Namaskar friends, I am Kavita Seth. I am getting intimate with Artist Aloud. Ghazal, जैसे मैंने कहा कि पुरानी शराब की तरह है, उसका एक नशा एक अलग ही है. उसकी जुबान जो है बहुत शीरी है, बहुत मीठी जुबान है. तो उसको और इंग्लिश म्यूजिक को मुझे लगता नहीं कि उसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं. वो अलग ही रूप है. उसको यदि हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते. कोलैबोरेट मींस कि हम इंस्ट्रूमेंटल कुछ अलग अलग वहाँ के नई साउंड्स के साथ उसको दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं, एक नए अंदाज में ला सकते हैं. लेकिन यदि कहा जाए कि उसको कंपेयर किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों चीज़ों का कोई कंपेरिजन बनता भी है. कि टोटली अलग चीज़ें हैं. मतलब इंग्लिश म्यूजिक इज़ टोटली डिफरेंट. ये नहीं कह रही हूँ कि ख़राब है, वो भी बहुत बेहतरीन है, बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग्स उसमें भी होते हैं. लेकिन जो गज़ल है वो तो अपने आप में ही बहुत बेहतरीन चीज़ है. यदि उसको इंटेलिजेंट तरीके से और रूहानियत तरीके से कहा किया जाए तो ज़रूर अच्छा लगेगा. मैंने भी एक सूफियाना सॉन्ग EDM के साथ कोलैबोरेट किया और बेहतरीन उसका रिजल्ट आया. वो टुमारोलैंड में उसको प्ले भी किया गया था. बहुत प्यारा बना वो सॉन्ग. तो मुझे नहीं लगता, आई एम वेरी ओपन कि किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से. मतलब एक उसमें एक रूह होनी चाहिए, एक आप कनेक्ट हो जाओ, वो एक कलर आना चाहिए. गज़ल को यदि कोलैबोरेट करते हैं किसी भी अच्छे वेस्टर्न उसमें EDM के साथ या किसी भी नई फॉर्म के साथ, तो ऑब्वियसली आपको यंगस्टर्स को भी आप वो सारे शेर व शायरी जो वो लोग अभी नहीं सुनते हैं या नहीं सुन रहे उन चीज़ों को, तो वो लोग भी कनेक्ट हो पाएंगे उस बेहतरीन पोइट्री से. महफिल का जब भी हम एक ख्याल आता है कि सब नीचे बैठे हुए हैं आराम से और मेहंदी हसन साहब कुछ अच्छा सा रंजिश ही सही जैसा कुछ गज़ल सुनने को मिल रही है, जस्ट बिकॉज हम मुशायरों में जाते थे और इस तरीके की महफिलें घर में भी होती थी जब मैं बरेली में थी, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी. और मुझे बहुत खुशी है कि ये चीज़ फिर से वापस आ रही है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको, कि एक बहुत इंटीमेट सी फीलिंग होती है कि आप इतनी क्लोजली एक आर्टिस्ट को सुन रहे हो. बॉलीवुड में जब ब्रेक मिला तब तक तो ये था कि ओके ठीक है, हो गया गाना. लेकिन आफ्टर वेक अप सिड जब मैंने इक्तारा गाया था, उसके बाद लगा कि हाँ, मतलब मैंने इतनी जो अब तक की मेहनत की है, सारे अवार्ड्स इस सॉन्ग को मिले थे. तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो बरेली में हैं, और तो वो लोग भी कह रहे थे कि अभी भी ऑनेस्टी को और उस चीज़ को भी उतनी अहमियत मिल रही है कि यारा तेरे सद के इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा. जब दादा ने गाना भेजा था तो मैंने उसका पोइट्री ही पढ़ी थी जो इरशाद कामिल जी ने लिखा. बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत लिखा. मैं इमीडिएट कनेक्ट हुई थी क्योंकि वो सूफियाना ही रंग है. टोटली सरेंडर वाली जो फीलिंग है पोइट्री में वो ये थी. जब धुन मिली, मुझे नहीं मालूम कि कास्ट कौन है, किसके ऊपर फिल्माया जाएगा और क्या इसका जो पिक्चराइजेशन है वो क्या है, लेकिन जब मैंने गाना गा लिया और जब वो रिलीज़ हुआ, तो उसके बाद सबसे पहले अमित त्रिवेदी का फ़ोन आया, बोले कविता जी ये आप, बहुत खुशी हुई कि आपने इतना इतना बेहतरीन गाना और इतना पैपी सॉन्ग आपने गाया. वरना हमेशा ही यही होता था कि नो आई विल नॉट सिंग, आई विल, मतलब मुझे नहीं गाना है कुछ भी ऐसा. और उसके बाद एक बहुत मज़ेदार किस्सा विशाल जी ने शेयर किया था, विशाल ददलानी ने, कह रहे थे कि मैं आपकी वजह से शर्त हारा, क्योंकि जब वो वाला गाना चल रहा था उसमें नीचे नाम मेरा आ रहा था यूट्यूब में, उन्होंने देखा होगा कि कविता सेठ एंड नीरज श्रीधर. सारे लोग उनसे जिन्होंने भी बोला बात की होगी, तो वो कह रहे थे कि कविता जी ने गाया. बोले नहीं, कविता जी ऐसे गाने नहीं गाती, उनकी वॉइस नहीं है, कोई और होगा, तो चेक करते हैं. बोले मुझे 15-20 लोगों को खाना खिलाना पड़ा था, शर्त हार गया था आपके इसके बीच. वाकई जो एक मेरे जहन में एक मिथ था कि नो मैं ऐसे गाने नहीं गा सकती, आई विल नॉट सिंग, मैंने अपने ही चारों तरफ एक जो बुन रखा था कि नहीं मैं नहीं गाऊंगी ऐसा गाना वैसा गाना, तो वो उन्होंने उसको ब्रेक किया और एक बेहतरीन गाना मुझे मिला गाने के लिए. मेहनत, हार्डवर्क जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए. और उसके उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, यदि गज़ल आपको गानी है तो जो भी गज़ल आप चुनते हो उसकी पूरी गज़ल के मानी पता होने चाहिए. उसको फील करके गाना, पूरा तलफ़्फ़ुज़, जो डिक्शन होता है, प्रोनंसिएशन है, वो दुरुस्त होना चाहिए. उसके लिए चाहे आप किसी उस्ताद से तालीम लें या व्हाटएवर, जो भी उसके लिए ज़रूरत हो, कैसे उसको बांधना है. यदि आप कंपोज़ भी कर लेते हैं
तो कैसे कंपोज करना है, किन किन रागों में जाना है, तो बहुत सारी डिटेलिंग है इसकी। तो जैसे जैसे आप इसमें जाएंगे आप खुद ब खुद पता लगता जाएगा। और हार्ड वर्क का तो कोई किसी भी चीज़ से कंपैरिजन ही नहीं है, वो तो सब चीज़ों के लिए, आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे सिंगिंग हो, फिल्म डायरेक्शन हो, व्हाटएवर, सबके लिए दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन।